का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, टेन पी कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दो चीज चलेगी, यदि मैं टेन पी लेके चलूंगा बच्चों तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यदि मैं कॉट आर लेकर चलूंगा बच्चों तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ये क्यू आर जो बेस हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखें बच्चों। बाकी सवाल में पहले तो हम इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर पी जी टी लगाएंगे। पी आर एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और पी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। बी एस ज्ञात करना है तो यहाँ 13 का स्क्वायर 169 होगा बच्चों, 12 का स्क्वायर होगा 144 और ये बेस का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्लस का 144 इधर आता बच्चों तो माइनस का हो जाएगा 144। ये बेस का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसमें से इसको घटाऊंगा 25 तो मेरा बी का स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, एक घात हट जाएगी तो रूट लग जाएगी, कुछ भी कर दो। बी बराबर मेरा 5 आ गया, 5 आ गया है मेरा बेस। लेकिन मुझे चाहिए बेटे टेन पी, पहले मैं टेन पी का वैल्यू ज्ञात करूंगा। जब बच्चों पी के हिसाब से चलेंगे, एंगल को पी माना बेटे, तो जब एंगल पी होता तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता। अब टेन पी जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे जब मैं टेन पी ले रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखिए, ये टेन पी है, एंगल के सामने मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मेरा 5 होगा। इस सिचुएशन में जो मेरा बेस होगा वो 12 होगा। पहले हमने टेन पी निकाल लिया, अब मैं कॉट आर निकालूंगा। कॉट आर, कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन बच्चों परपेंडिकुलर। अब जब मैं कॉट आर के हिसाब से चलूंगा ये, तो यहाँ मेरा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 12 मेरा परपेंडिकुलर होगा बेटो बच्चों, और बेस मेरा यही रहेगा 5, तो बेस मेरा 5 आया और ये 12 आया। पहले तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय से 5 निकाल लिया बच्चों। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड करना था, मैं लिखता हूँ टेन पी बच्चों, टेन पी माइनस कॉट आर। बच्चे यहाँ मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, इसको लेकर चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और एंगल आर को लेकर चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, ठीक है। अब मैंने ये टेन पी का वैल्यू निकाल लिया, 5/12 और कॉट आर का वैल्यू भी 5/12 में से 5/12 गया तो 0 मेरा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, यहाँ पर बेटे क्वेश्चन नंबर ये मेरा 8.1 का 2 है। मैं जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़ेंगे मैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ आप बुक लेकर बैठे, मैं आपको मैथ्स तो हर चीज समझा दूंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, जितना भी ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है आई विल प्रोवाइड फॉर यू। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है लेकिन समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, वो इजी, अब ये मुझे सब याद रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन मेरा है साइन ए बराबर बच्चों, साइन ए बराबर बेटे दिया है 3/4 हो, 3/4 हो, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले मुझे पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आजकल इसमें नए नए लोग अलग अलग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। पंडित
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, सोना चांदी तोले। चलो तो अब साइन थीटा को साइन में जब देखूंगा तो मुझे इसका ध्यान होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज आप टेक्निकली याद रखें, यहां पर साइन ए दिया तो मैं चित्र में साइन ए इधर बनाऊंगा। इसका फायदा क्या बच्चों, इसका फायदा यह है कि मेरा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही रहेगा, बेस बेस ही रहेगा और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा। अब यहाँ पर इसी बात पर ध्यान देना है कि साइन पी अपॉन एच दिया तो इसका मतलब जो मेरा ऊपर का वैल्यू है, पी यहाँ ऊपर है अपॉन के ऊपर है तो परपेंडिकुलर मेरा तीन रहेगा। ये बच्चों मुझे आना चाहिए क्योंकि साइन थीटा होता पी अपॉन एच, एच मेरा चार रहेगा तो मुझे अभी बेस ज्ञात करना। वेरी सिंपल, इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पी जी टी बाय पी जी टी पी जी टी पी जी टी लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, एच मेरा है चार का स्क्वायर, पी मेरा तीन का स्क्वायर है बच्चों, बेस डी का स्क्वायर, चार का स्क्वायर बच्चों 16 होता, चार चौक 16, तीन का स्क्वायर 9 होता है और बी का स्क्वायर बेटे प्लस का 9 इधर आएगा तो मेरी बात ध्यान रखना बच्चों को याद, प्लस का 9 बच्चों इधर आएगा तो माइनस का 9 होगा। अब मेरे पास आ गया 7 का स्क्वायर, 7 बराबर बी का स्क्वायर। अब ध्यान रखना स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, हिंदी मीडियम के लिए घात हट जाऊंगी तो रूट बन जाऊंगी, घात हट जाऊंगी तो, और इंग्लिश मीडियम के लिए स्क्वायर हटा दो रूट लगा दो। लेकिन रूट लगाते हैं बच्चों तो प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं, लेकिन कोई भी लेंथ माइनस नहीं होती तो पॉजिटिव रहेगी तो ये केवल 7 लिख दो, तो मेरे रूट 7 यहाँ लिख देना चाहिए मुझे। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मुझे क्या याद करने का बोला, कॉस ए, कॉस ए मैं यहां से देख रहा हूं, ये रफ वर्क में करना बेटा, सामने मत लिखना, पीछे के पेज में पेंसिल से बनाना बच्चों। कॉस ए होगा मेरा बी अपॉन एच, अब बी बी मेरा कितना है रूट 7 तो मैं रूट 7 लिख दूंगा, एच कितना है 4 लिख दूंगा। फिर मुझे ज्ञात करना था टेन ए, टेन ए बराबर मेरा होगा टेन ए होगा मेरा हाँ पी अपॉन बी, कैसे पता लगाया मैंने, टेन थीटा के नीचे देखा तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी का वैल्यू मेरा चल रहा है 3 और बी का वैल्यू मेरा आया रूट 7, मेरा ये आंसर समाप्त हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, और एमपी बोर्ड में तो मैं दावा कर रहा हूँ काफ़ी बच्चे सक्सेस होंगे, प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।